सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुए दो ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिनमें आप लोगों को मिलता है दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 इलाइट। गाइज, बताया जा रहा है कि यह प्रोसेसर क्वालकॉम का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है जिसने आईफोन तक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इस चिपसेट के साथ आने वाले स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ऐसे में दो स्मार्टफोन मार्केट में उपलब्ध हैं जो इस प्रोसेसर के साथ कुछ हद तक अफोर्डेबल हैं। इनमें Realme GT 7 Pro और IQ 13 का नाम आता है। लेकिन इन दोनों ही फ़ोन में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले की तुलना करें तो गाइज, Realme GT 7 Pro में आपको Samsung OLED Plus की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 6.7 इंच की है। इसमें आपको 6000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और वहीं इस डिस्प्ले का रेजुलेशन आपको 1.5K मिल जाता है। और अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो गाइज, इस फोन में आप रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। चलिए गाइज, अब बात करते हैं IQ 13 की। गाइज, इस फोन में आपको 6.82 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि LTPO OLED डिस्प्ले है। इसमें आपको रेजुलेशन 2K का देखने को मिल जाता है, वहीं रिफ्रेश रेट इसमें आप 144 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही गाइज, इस फोन में आपको पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की देखने को मिल जाती है। अगर गाइज यहाँ पर तुलना करें रियलमी के फोन से तो ब्राइटनेस के मामले में Realme का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। वहीं IQ के फ़ोन में आपको ज़्यादा रेजुलेशन देखने को मिल जाता है और ज़्यादा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। तो गाइज, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आप लोगों को Realme का फ़ोन लेना है या फिर IQ का। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइज, बात करते हैं कैमरा सेटअप को लेकर के दोनों ही फ़ोन में आपको कितने और कैसा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं रियलमी के फ़ोन की। इस फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX906 का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाता है। गाइज, रियलमी के इस फ़ोन से आप लोग 4K नहीं बल्कि 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि इस फोन को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। चलिए गाइज, अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा की। गाइज, इस फोन में आपको पंच होल के साथ फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। इसके साथ ही गाइज, इसमें आपको फ्रंट कैमरा से फुल HD इसके साथ ही गाइज आप लोग इसके फ्रंट कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गाइज, अब बात करते हैं IQ 13 की कैमरा के बारे में। गाइज, इस फोन में आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX921 का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं इस फोन में आपको सेकेंडरी कैमरा सोनी की तरफ से IMX816 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है और वहीं इस फोन में आपको तीसरा कैमरा टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। गाइज, इस फोन में आपको तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इस फोन में भी आप लोग 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। गाइज, अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में। गाइज, इस फोन में आप लोगों को फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का पंच होल देखने को मिल जाता है। गाइज, दुख की बात यह है कि इस फोन में भी आप लोगों को फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा के साथ देखने को मिल जाती है। इसमें भी आप लोगों को फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। गाइज, परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 इलाइट का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। गाइज, बताया जा रहा है कि इस प्रोसेसर का एंटूटू स्कोर 3.1 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन की प्राइस की कि इन दोनों ही फोन की आप लोगों को प्राइस क्या पड़ जाएगी। गाइज, बताया जा रहा है कि Realme GT 7 Pro फोन में आप लोगों को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ प्राइस लगभग 42,000 रुपए पड़ जाएगी। वहीं IQ 13 में आप लोगों को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लगभग 47,000 रुपए की प्राइस पड़ जाएगी। गाइज, दोनों ही फोन की प्राइस को कंपेयर करने के बाद हम देख सकते हैं कि Realme GT 7 Pro में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8 इलाइट चिपसेट के साथ अफोर्डेबल प्राइस पड़ जाती है। और गाइज, अगर प्राइस को देखते हुए बात करें IQ 13 की तो गाइज, इस फोन की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से इस फोन में आप लोगों को डिस्प्ले और कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अब आपके ऊपर है कि आप लोग कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे। वीडियो यहीं पर एंड होती है और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।